आज का टॉपिक है ड्यूअल स्टार्टर। अब ड्यूअल स्टार्टर के साथ के कनेक्शन कैसे हुए हैं, उसके बाद इसके साथ मोटर कहां जोड़नी है और मोटर जोड़ने के बाद में सर्किट को पूरा देखो, ये अपना क्या है ड्यूअल स्टार्टर। सबसे पहले आपको ड्यूअल स्टार्टर के अंदर इनपुट में सप्लाई देनी है, तो यहां देखो आर वाई बी तीनों को आपने ऊपर से सप्लाई दी। अब उसके बाद में ये है आपकी थर्मल ओवरलोड रिले, ये क्या है थर्मल ओवरलोड रिले, तो ये है आपकी पूरी थर्मल ओवरलोड रिले। अब थर्मल ओवरलोड रिले के साथ में एक जो पॉइंट लगा हुआ है थर्मल ओवरलोड कॉन्टेक्टर। अब एक आपका ओ पुश बटन है, एक आपका ऑन पुश बटन है। जो ओ पुश बटन है वो नॉर्मली क्लोज प्रकार का है, ऑन पुश बटन है वो नॉर्मली ओपन प्रकार का है। अब इसकी जो वायरिंग है इसके बाद में थर्मल ओवरलोड से सप्लाई जा रही है मेन कॉन्टेक्टर में, यानी यहां से थर्मल ओवरलोड रिले से मेन कॉन्टेक्टर। ये मेन कॉन्टेक्टर के समांतर में एक और लगा हुआ है ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर, और यहां से जो सप्लाई उठेगी वो जाएगी मोटर में। थ्री फेज की जो मोटर है यहां से तीन पॉइंट है, यहां से आपको थ्री फेज की सप्लाई देनी है मोटर, और ये आपकी लगी हुई एनवीसी, इसे हम झूला या फ्लेजर बोलते हैं, झूला या फ्लेजर। जैसे ही एनवीसी को सप्लाई जाएगी ये मैग्नेट बनेगा और ये सारे कॉन्टेक्टर आपस में क्लोज हो जाएंगे। अब जैसे कि कंट्रोल वायरिंग की बात करें, ये देखो ये एनवीसी है, एनवीसी का ये एक पॉइंट आपने कहा दिया है एनसी पॉइंट के पी वन पर, और एनवीसी का दूसरा पॉइंट दिया है लाइन वन पर। तो एनवीसी का ये दूसरा पॉइंट आपने लाइन वन पे दिया है। अब एनसी का दूसरा पॉइंट एनओ के पहले पॉइंट के साथ आपने कॉमन कर दिया ये, तो यहां से मैंने एक लूप उठाई दूसरी जगह यहां कॉमन कर दिया। अब यहां से देखो यहां से एक मैंने लूप उठाई ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर के साथ जोड़ दिया, तो यहां से एक लूप उठाई ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर के साथ जोड़ दिया। अब बचा अपना दूसरा पॉइंट, ये लाइन के साथ जुड़ेगा, ये लाइन के साथ जुड़ेगा, तो यहां से आप देखो ये जो पॉइंट है आपका ये आपके लाइन के साथ जुड़ गया, यानी दो पेजों के बीच में ये पूरी कंट्रोल वायरिंग होती है, दो पेजों के मध्य पूरी कंट्रोल वायरिंग, यानी ये कंट्रोल वायरिंग होगी। अब इसके नीचे में मोटर जोड़ के इस ड्यूअल स्टार्टर के द्वारा लाइन को चालू करना बंद करना, यानी आसानी से आप थ्री पेज मोटर को चालू और बंद कर सकते हो।